आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीलर नाइटिया में। आज की क्लास में हम टर्नट सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम आपको 30 क्वेश्चन हर क्लास में सॉल्व करके देंगे, जो भी एग्जाम होने वाला है उसके हिसाब से हम आपको पूरा टू जेड पूरा, जैसे सेकेंड ईयर का हम क्लास करवा रहे, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर टर्नट दोनों का हम क्लास करवाएंगे, तो अलग अलग क्लास करवाएंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर का एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर इन सिंपल गियर ट्रेन। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक सिंपल गियर ट्रेन में जो पहले नंबर का गियर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिवन, दूसरा ऑप्शन है ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन है आइडलर और चौथा ऑप्शन है रिवर्सिबल गियर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर इन अ सिंपल गियर ट्रेन, तो इसका आंसर आ जाता है ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट मेंबर इन अ सिंपल गियर ट्रेन। मतलब जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहले गियर का नाम क्या है, तो उसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया कि सिंपल गियर ट्रेन में सबसे लास्ट गियर का नाम क्या है। तो सिंपल गियर ट्रेन में जो क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन दिया है, तो पहला ऑप्शन है ड्रिवन, दूसरा ड्राइवर, तीसरा आइडलर और चौथा रिवर्सिबल गियर। तो इसका जो आंसर आता है, आंसर आ जाता है ड्रिवन गियर, क्योंकि सिंपल गियर ट्रेन में तीन गियर होते हैं, ड्राइवर, आइडलर और ड्रिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ गियर हैविंग इन अ सिंपल गियर ट्रेन। तो जैसे मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में हमने आपको समझा के बताया कि सिंपल गियर ट्रेन में कितने गियर होते हैं, तो इसका डायरेक्टली मैं आंसर बता देते, इसका आंसर आ जाता है तीन गियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड फ्लैट विड्थ ऑफ अ बटरस थ्रेड। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बटरस थ्रेड की फ्लैट चौड़ाई को निकालने के लिए कौन से सूची का उपयोग किया जाता है, मतलब फार्मूला पूछा गया। तो ऑप्शन में आपको चार फार्मूला दिया गया है, इसमें से इसका सही आंसर आपको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है पिच डिवाइडेड बाय टू, दूसरा ऑप्शन है पिच डिवाइडेड बाय थ्री, तीसरा ऑप्शन है पिच डिवाइडेड बाय फोर और चौथा ऑप्शन है पिच डिवाइडेड बाय एट। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द फार्मूला यूज टू फाइंड फ्लैट विड्थ ऑफ बटरस थ्रेड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिच डिवाइडेड बाय एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ बटर थ्रेड प्लैंक। मतलब बटर थ्रेड प्लैंक का जो आकार होता है वो किस तरीके से बना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वन फ्लैंक इज 90 डिग्री एंड सेकंड 45 डिग्री। मतलब एक फ्लैंक 90 डिग्री में होता है और दूसरा 45 डिग्री में होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है एक फ्लैंक 30 डिग्री में होता है और दूसरा 45 डिग्री में होता है, तीसरा ऑप्शन है एक फ्लैंक 60 डिग्री में होता है और दूसरा 45 डिग्री में, और चौथा ऑप्शन है दोनों फ्लैंक 60 डिग्री पर होते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटर थ्रेड के प्लैंक का आकार किस तरह से होता है, तो इसका जो आंसर है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक फ्लैंक 90 डिग्री में होता है और दूसरा 45 डिग्री में होता है बटरस थ्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ शॉर्ट टूथ थ्रेड। मतलब शॉर्ट टूथ थ्रेड का एंगल क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 29 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि शॉर्ट टूथ थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्रेड कटिंग ऑन अ लेथ बाय यूजिंग सिंगल पॉइंट टूल, द टूल मूव्स इन अ पैथ कॉल्ड एज। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंगल पॉइंट टूल का उपयोग करके लेथ पर थ्रेड काटते समय टूल एक पथ में चलता है जिसे कहा जाता है, मतलब टूल कौन से पथ पर चलता है जिसे उसे क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एपिसाइक्लॉइड, दूसरा साइक्लॉइड, तीसरा रेक और चौथा ऑप्शन है हेलिक्स। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंगल पॉइंट टूल का उपयोग करके थ्रेड लेथ मशीन पर थ्रेड काटते समय टूल कौन से पथ पर चलता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बीआईएस स्टैंड फॉर। मतलब बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तीसरा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी और चौथा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट डज बीआईएस स्टैंड फॉर, बीआईएस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो आंसर आता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द एंगल ऑफ बटरस थ्रेड। मतलब निम्नलिखित में से बटरस थ्रेड का एंगल कौन सा है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 55 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच वन इज द एंगल ऑफ बटरस थ्रेड का एंगल क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द टाइप्स ऑफ थ्रेड, मतलब जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये थ्रेड, एक थ्रेड को आपको दिखाया गया है और इसमें एंगल दिखाया गया है, तो इस थ्रेड का हमें नाम पहचानना है, मतलब एंगल के हिसाब से आपको थ्रेड को पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्मे थ्रेड, दूसरा स्क्वायर थ्रेड, तीसरा शॉर्ट टूथ थ्रेड और चौथा ऑप्शन है बटरस थ्रेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिखाया गया डायग्राम में कौन से थ्रेड का डायग्राम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बटरस थ्रेड, क्योंकि बटरस थ्रेड का एंगल 45 डिग्री होता है और डायग्राम में 45 डिग्री ही दिखाया गया है। और जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं इसका, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें आप ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप में आपको पीडीएफ का लिंक आपको भेज देंगे, मतलब पीडीएफ ही पूरा भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड क्रेस्ट विथ ऑफ अ बटरस थ्रेड, बटरस थ्रेड की क्रेस्ट चौड़ाई को निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.125 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.317 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.335 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरस थ्रेड के क्रेस्ट की चौड़ाई को निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.125 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड रूट विथ ऑफ अ बटरस थ्रेड, बटरस थ्रेड की रूट की चौड़ाई को निकालने के लिए कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.125 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.317 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.335 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि बटरस थ्रेड की जो रूट है, रूट की विड्थ को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.125 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला टू बी यूज टू फाइंड डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड, बटरस थ्रेड का अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है तो निम्नलिखित में से कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.6134 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.6403 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन 0.75 इंटू पिच। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि बटरस थ्रेड की डेप्थ अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.75 इंटू पिच। तो जैसे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं, आपको मॉड्यूल वाइज आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करके दे रहे हैं, तो ये जो आपका मॉड्यूल चालू है इसमें हम थ्रेडिंग वाला जो मॉड्यूल है आपका, उसके क्वेश्चन पूरे ले रहे, इसलिए आपके पूरे क्वेश्चन थ्रेड के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज स्क्वायर 60 मीन्स, मतलब इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्वायर थ्रेड है जो 60 × 9 IS इंडियन स्टैंडर्ड 4694 है, इसमें 968 का अर्थ क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड 60 mm डायमीटर 9 mm पिच, मतलब इसमें आपको क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझना है इसमें आपको पूछा क्या गया है, इसमें जो 60 × 9 दिया है इसका अर्थ क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन हमने आपको बताया कि स्क्वायर थ्रेड 60 mm डायमीटर और 9 mm पिच, दूसरा ऑप्शन है बटरस थ्रेड 60 mm डायमीटर और 9 mm पिच, तीसरा ऑप्शन है एक्मे थ्रेड 60 mm डायमीटर इंटू 9 mm पिच और चौथा ऑप्शन है वर्म थ्रेड 60 mm डायमीटर इंटू 9 mm पिच। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एस क्यू 60 × 9 तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर थ्रेड 60 mm डायमीटर और 9 mm पिच। एस क्यू मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म है ये एस क्यू, और 60 mm मतलब ये थ्रेड का मेजर डायमीटर है और जो मल्टीप्लाई में 9 दिया ये इसका पिच है, थ्रेड का पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ थ्रेड, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है जो इमेज में, ये कौन से टाइप का थ्रेड है ये आपको पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्मे थ्रेड, दूसरा नकल थ्रेड, तीसरा बटरस थ्रेड और चौथा ऑप्शन है वार्म थ्रेड। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि थ्रेड का प्रकार कौन सा है जो डायग्राम में दिखाया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नकल थ्रेड। नकल थ्रेड ध्यान में रखना है, उसका नकल थ्रेड का आकार जो वर्टिकल जो होता है, इसका शेप राउंड शेप में होता है, हाफ राउंड शेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्रेड हैज ओनली ऑन हेलिकल फॉर्मेशन, मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा थ्रेड केवल एक हेलिकल रचना में होते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिंगल स्टार्ट, दूसरा डबल स्टार्ट, तीसरा ट्रिपल स्टार्ट और चौथा ऑप्शन है क्वाड्रपल स्टार्ट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा थ्रेड केवल एक हेलिकल फॉर्मेशन में होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगल स्टार्ट थ्रेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M24 इन M24 इनटू 3 सिंगल स्टार्ट थ्रेड। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि जो एक थ्रेड का साइज है M24 इनटू 3 सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, इसमें से M24 का अर्थ क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कोर डायमीटर ऑफ थ्रेड, दूसरा ऑप्शन मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, तीसरा ऑप्शन इफेक्टिव डायमीटर ऑफ थ्रेड और चौथा ऑप्शन है डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो ध्यान में रखिए कि जो कोर डायमीटर ऑफ थ्रेड है, कोर डायमीटर मतलब मेजर माइनर डायमीटर होता है, जैसे मेजर डायमीटर मतलब बड़ा डायमीटर होता है और कोर डायमीटर मतलब छोटा डायमीटर होता है, माइनर डायमीटर, जिसे दूसरा उसका दूसरा नाम है माइनर डायमीटर। तीसरा जो ऑप्शन था हमारा इफेक्टिव, मतलब ये हमारा पिच डायमीटर है, पिच डायमीटर का दूसरा नाम है इफेक्टिव डायमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि M24 का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर है मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीड ऑफ M24 इनटू 3.5 ट्रिपल स्टार थ्रेड। मतलब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि एक थ्रेड है M24 इनटू 3.5 जिसका पीच है, इसका ट्रिपल स्टार थ्रेड है, तो इसका लीड कितना होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले हम आपको ऑप्शन और आंसर बता के उसके बाद आपको समझा के बताते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है 3.5 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 8.5 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 10.5 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 12.8 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि एक ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है जिसका पीच है 3.5 मिलीमीटर, तो इसका लीड कितना होगा, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी 10.5 मिलीमीटर। तो जो यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि पिच कितना है और स्टार्ट कितना है, जितना पिच है और जो स्टार्ट है इनको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3.5 मिलीमीटर पिच है और इसका स्टार्ट कितना है, ट्रिपल स्टार्ट, मतलब 3.5 × 3 करना है, तो इसका आंसर आ जाता है 10.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीड ऑफ M10 × 1.5 डबल स्टार्ट थ्रेड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक M10 का जो थ्रेड है डबल स्टार्ट थ्रेड है और जिसका पिच है 1.5 मिलीमीटर, तो इसका लीड क्या होगा। तो हम आपको इसके पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझा के बताया कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3.5 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 4 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि जो एक थ्रेड है डबल स्टार्ट थ्रेड जिसका पीच है 1.5 मिलीमीटर, तो इसका लीड क्या होगा। तो लीड को लीड कैसे कैलकुलेट करते, पीच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, तो पीच कितना है 1.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ स्टार्ट कितना है 2, तो 1.5 × 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 3 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी 3 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मल्टी स्टार्ट थ्रेड आर स्पेसिफाइड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड कैसे स्पेसिफाइड किए जाते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय स्टेटिंग डायमीटर एंड पिच, मतलब डायमीटर और पिच बताकर। दूसरा ऑप्शन है बाय स्टेटिंग डायमीटर एंड एंगल ऑफ थ्रेड, मतलब थ्रेड का डायमीटर और एंगल बताकर। तीसरा ऑप्शन है बाय स्टेटिंग कोर डायमीटर एंड पिच, मतलब कोर डायमीटर और पिच बताते हुए, कोर डायमीटर मतलब माइनर डायमीटर और पिच बताते हुए। या फिर चौथा ऑप्शन है बाय स्टेटिंग डायमीटर पिच एंड नंबर ऑफ स्टार्ट, मतलब डायमीटर पिच और नंबर स्टार्ट की नंबर को बताकर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड कैसे स्पेसिफाइड किए जाते हैं, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाय स्टेटिंग डायमीटर पिच एंड नंबर ऑफ स्टार्ट, मतलब जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड होते हैं उसके डायमीटर पिच और स्टार्ट, मतलब वो कितने स्टार्ट का है वह बताकर इसे स्पेसिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ स्क्वायर थ्रेड मार्क एक्स। जो आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में स्क्वायर थ्रेड है, तो इसमें जो एक्स के रूप में जो आपको दिखाया गया है, ये हमें पहचानना है कि ये क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर, दूसरा माइनर डायमीटर, तीसरा कोर डायमीटर और चौथा ऑप्शन है पिच डायमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो डायग्राम में दिखाया गया थ्रेड में जो एक्स के रूप में दिखाया है, इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, माइनर डायमीटर और कोर डायमीटर दोनों सेम होते हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन सेम ही दिया है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी पिच डायमीटर। पिच मतलब क्या होता है, मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच का जो डायमीटर होता है उसे पिच डायमीटर बोलते हैं या फिर इफेक्टिव डायमीटर बोलते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है पिच डायमीटर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ स्क्वायर थ्रेड मार्क एक्स। तो आपको फिर से एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें स्क्वायर थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड में एक्स के रूप में जो भाग आपको दिखाया है, इसका नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन थ्रेड विड्थ, मतलब थ्रेड की चौड़ाई, दूसरा थ्रेड एंगल, तीसरा हेलिक्स एंगल और चौथा ऑप्शन है थ्रेड क्रेस्ट।
तो जो ऑप्शन जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि डायग्राम में दिखाए गए थ्रेड में जो एक्स के रूप में है उसका नाम क्या है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल को कैसे पहचानना, मतलब इस तरह से थोड़ा यहाँ पर आप जानकारी देते हैं एडिशनल। जो हमारा एक्सिस लाइन है मतलब सेंटर लाइन है, इसमें एक लाइन होता है एकदम 90 डिग्री में और दूसरा होता है थ्रेड के एंगल के साथ। तो इन दोनों को जब बाहर निकाल कर इसका एंगल दिखाते हैं तो इसमें जो बनता है उसे कहा जाता है हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पिच डायमीटर ऑफ थ्रेड, थ्रेड के पिच डायमीटर के लिए फॉर्मूला क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर और सिंगल डेप्थ, दूसरा मेजर डायमीटर इंटू टू इंटू डेप्थ, तीसरा ऑप्शन है मेजर डायमीटर इंटू माइनर डायमीटर और चौथा ऑप्शन है मेजर डायमीटर इंटू पिच। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पिच डायमीटर ऑफ थ्रेड, तो इसका जो आंसर आता है कि पिच डायमीटर को निकालने के लिए ऑप्शन, इसका जो पिच डायमीटर को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो इसका आंसर आता है मेजर डायमीटर माइनस सिंगल डेप्थ आता है। यहाँ पर आपको माइनस का सिंबल देना है कि मेजर डायमीटर माइनस सिंगल डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोर डायमीटर ऑफ द स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड का कोर डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है। कोर डायमीटर मतलब आपको ध्यान में रखना है कि कोर डायमीटर मतलब माइनर डायमीटर होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर इंटू टू इंटू डेप्थ, दूसरा ऑप्शन है मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर, तीसरा ऑप्शन है मेजर डायमीटर इंटू पिच डायमीटर और चौथा ऑप्शन है मेजर डायमीटर इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि स्क्वायर थ्रेड का अगर हमें पिच डायमीटर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका जो आंसर आ जाता है मेजर डायमीटर इंटू टू इंटू डेप्थ, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स इन थ्रेड कटिंग टूल, जो आपको डायग्राम दिखाया है इसमें कटिंग टूल का एंगल दिखाया गया है, तो इस एंगल का नाम क्या है जो एक्स के रूप में दिखाया है। तो इसका इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्रंट क्लियरेंस एंगल, दूसरा ऑप्शन है साइड रेक एंगल, तीसरा ऑप्शन है फ्रंट रेक एंगल और चौथा ऑप्शन है साइड क्लियरेंस एंगल। तो जो इसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो डायग्राम में कटिंग टूल को दिखाया गया जिसमें एंगल एक्स के रूप में मार्क किया गया है, तो इसका इस एंगल का क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रंट क्लियरेंस एंगल। ये टूल कटिंग टूल का फ्रंट वाला भाग है और इसे ए वाले कटिंग फ्रंट क्लियरेंस एंगल को एक्स के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, तो आपको डायग्राम में कटिंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है तो अभी कौन से कटिंग टूल का डायग्राम है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड कटिंग टूल, दूसरा सिंगल पॉइंट टूल, तीसरा ऑप्शन है नर्लिंग टूल, चौथा ऑप्शन है फॉर्म टूल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि डायग्राम में दिखाए गए कटिंग टूल को पहचानिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला स्क्वायर थ्रेड कटिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द पिच डायमीटर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर, मतलब थ्रेड के पिच डायमीटर और गियर के दांतों के बीच का अनुपात क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूथ थिकनेस, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा रेडेंडम और चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि थ्रेड के पिच डायमीटर और गियर के दांतों के बीच का रेशो क्या है, तो इसके आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द नकल थ्रेड आर यूज्ड, नकल थ्रेड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू जैक में, दूसरा कारपेंट्री वाइस में, तीसरा रेलवे कैरेज कपलिंग में और चौथा ऑप्शन है लीड स्क्रू ऑफ लेथ, मतलब लेथ के लीड स्क्रू में। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि नकल थ्रेड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका जो आंसर है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रेलवे कैरेज कपलिंग, मतलब रेलवे कैरेज के कपलिंग में नकल थ्रेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड, एक्मे थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल क्या है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 55 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 29 डिग्री। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 29 डिग्री। 55 डिग्री होता है BHW थ्रेड का, 45 डिग्री एंगल होता है बटरस थ्रेड का, 30 डिग्री का होता है जैसे इसके पहले हमने स्टार्टिंग में बताए थे, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है 29 यह होता है एक्मे थ्रेड का, जो हमारा 29 है नकल थ्रेड का, 30 डिग्री है नकल थ्रेड का एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन अ लेथ लीड स्क्रू, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन से टाइप के थ्रेड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्मे थ्रेड, दूसरा बटरस थ्रेड,
तीसरा नकल थ्रेड, चौथा ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड। तो ऐसे क्वेश्चन ने पूछा था कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन से टाइप के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये एक्मे थ्रेड जो 29 डिग्री का होता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम 38 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया। इसी तरह के हम रेगुलर क्लास करवा के हम आपका जो मॉडल वाइज हम आपको पूरा सिलेबस के हिसाब से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे एग्जाम कंप्लीट होने के पहले। तो जो भी मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और अगर आपको PDF की जरूरत है तो हमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन करके आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।